class. Now this is the third part of the this lesson, that is the heterotrophies, that is the parasitic plant. That is parasitic plants. So now we are talking about, that is the yellow different branches, the plants is the, hence is called the parasite. Parasite means kya hai jo do matlab alag sa ek food ke liye jo alag ped ke upar depend karte hai, that is called the parasite. The on their food, their trees takes ready to mate food on the plant. It is climbing. All the parasites plants have the modified roots. इसका modified roots होता है. तो ये जो है ये interferous plant जो है, that is the laid of the claws in insects killed by the kill by the justice and the stretch, that is the ये जो parasites है वो उसका जो काम है वो बहुत important है. तो ये जैसे कि mushroom is see like umbrella, ये बहुत तरह की होते हैं parasites के बारे में अगर हम बात करेंगे. mushroom के नाम मशरूम जो है, ये मशरूम के नाम हम लोगों के दिमाग में आता है. ये कहाँ कहाँ पे हम लोग देखते हैं, मॉइस्चर एरिया में, दैट इज द वुड, दैट इज द ब्रेड, एगारिकस, डिफरेंट मशरूम का जो नेम है, इम्पोर्टेंट मशरूम का जो नेम है दैट इज एगारिकस मशरूम. सिम्बायोसिस हम लोग जो पैरासिटिज्म, न्यूट्रलाइज्म, ये सब के बारे में एक चार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा आपके एनसीईआरटी किताब में, जहाँ जहाँ पर ये जो सिम्बायोसिस जो है वो कैसे डिनोट कर दिया जाता है कि प्लस माइनस एंड जीरो. तो ऐसा ही है. फर्टिलाइजर इज द ह्यूमन मेड, द हम लोग जो लोग फार्मिंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजर यूज होता है फार्मिंग में. तो फर्टिलाइजर क्या है, ये जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इज अ ह्यूमन मेड और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल. फर्टिलाइजर जो है ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड और नेचुरल सब्सटेंस. Added to the soil, the soil. So ये है fertilizer. और manure जो होता है, manure is a natural material obtained by the plant and the ये जो है जो naturally ये होता है fertilizer, human made भी होता है और इसमें fertility भी होता है. तो ये प्रूव्स दैट द ह्यूमन टू बी द सॉइल, इट डज नॉट प्रोवाइड द ह्यूमन टू द सॉइल. ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है
ए मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में कंपैरेटिवली मतलब रिच रिच एंड द स्लोली, ये जो मैन्योर है वो स्लोली काम करता है और ये जो प्लांट है मतलब फर्टिलाइजर जो है वो कॉस्टली भी है, वो मतलब क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के अंदर, और जो मैन्योर है वो थोड़ा इकोनॉमिक है, एज आई टोल्ड यू बी इकोनॉमिक मतलब सस्ते में हो जाता है, और फर्टिलाइजर जो है वो कॉस्टली होता है। तो ये जो चीज़ है ये बेसिक थिंग्स है। सो जो राइजोबियम cannot make its own food, so it is often left the root of the moon beans, ये जो है ये खुद के हिसाब से ये लोग food produce करते हैं with the important gas that is nitrogen. So, this is the end of the chapter number one, science. This is the nutrition, plant nutrition. So, in next class, I am talking about another topic. So, please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.